हाय गाइस अगर 1829 से पहले की अगर आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि सती प्रथा जो है वो 1829 से पहले पूरे इंडिया में कम्प्लीटली बैन नहीं थी 1860 से पहले जो क्रिश्चियंस थे वो एक से ज़्यादा शादी कर पाते थे लेकिन 1860 में जब आईपीसी वाज इंप्लीमेंटेड तो क्रिश्चियंस की जो पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ख़त्म हुआ इसके बाद अगर आप देखोगे तो एटीन तक जो स्लेवरी थी वो अमेरिका में दैट वॉज लीगल लेकिन एटीन के बाद दैट स्लेवरी वॉज ऑल्सो बैंड इन यू 1955 और 1956 तक अगर आप बात करोगे तो उससे पहले जो हिंदूज़ थे इंडिया में वो एक से ज़्यादा शादी कर पाते थे लेकिन 1956 में हिंदू कोड बिल आने के बाद जो हिंदूज़ हैं उनका जो पॉलीगेमिका यानी से ज़्यादा शादी करने का जो रिवाज था जो कस्टम था वो दैट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इसका मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या जो लॉ होता है वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से चेंज होता रहता है तो सोसाइटी में अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कोई ऐसी प्रथा चल रही है या कोई ऐसा कस्टम है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है किसी एक ग्रुप के लोगों के अगेंस्ट या मेल और फीमेल के बीच में तो उसको धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जब बात करते आते हैं तो अभी फ़िलहाल दो तीन हफ्ते से ना चल रहा है हिसाब किताब कि एक यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे लेकिन ये डिमांड आज की नहीं है ये डिमांड तब की है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 फोर हैज़ ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड, जो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें अब स्टेट का मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्टिव तीनों कोर्ट ने अपना काम कर दिया एक के बाद एक जजमेंट दी है जिसमें से शाहबानो की जजमेंट है बहुत लैंडमार्क जजमेंट है 1985 की सरला मुदगल की जजमेंट है दैट इज़ आल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू होना चाहिए और इसके बाद जो लेजिस्टिव बॉडी है लेजिलेटिव बॉडी कोशिश में लगी हुई है लेकिन अभी तक की जो पॉलिटिकल विल थी वो किसी के पास नहीं थी लेकिन अभी 2014 के बाद जैसी हमारी मेजारिटी गवर्नमेंट आई तो मेजोरिटी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में तीन चीज़ें थी पहला कि हम राम मंदिर जो है वो बनाएंगे दूसरा आर्टिकल 370 है उसको स्क्रैप करेंगे और तीसरी चीज़ कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे 370 स्क्रैप हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अभी यूनियन टेरेटरी बन चुके हैं दूसरा जो था राम मंदिर का वो प्रोबेबली इस साल जो है राम मंदिर बनके के कम्प्लीट हो जाएगा तीसरा जो मैनिफेस्टो में एजेंडा था वो था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे और उसके ऊपर लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं और अभी सरकार जो है उस पर काम कर रही है अब इंडिया में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में है ही नहीं और रीज़न बिंग कि जब आप क्रिमिनल लॉ में देखते हो तो क्रिमिनल लॉ में ऑलमोस्ट जो हमारी सिमिलैरिटी है जो यूनिफॉर्मिटी है वो ऑलरेडी है फॉर एग्ज़ाम्पल आई सब पे लागू है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो अब इसका आप देखोगे कि अगर मर्डर कोई करता है तो जो कि रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इर ऑफ द जेंडर उसको जो सज़ा है वो बराबर मिलेगी सेम गोज़ विद पी एम एल एन डी पी एस एक्ट सेम गोज़ विद जो सी आर पी सी की एप्लीकेबिलिटी है सी पी सी की एप्लीकेबिलिटी है या इंडियन एविडेंस की एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सारे के सारे बराबर हैं तो क्रिमिनल लॉ के अंदर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी है ईशू कहाँ है ईशू है कि आई पी सी में एक सेक्शन है फोर नाइन्टी फोर जो कहता है कि पर्सनल लॉज के हिसाब से अगर कहीं पर एक से ज़्यादा शादी करने का जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है तो उस पर फोर नाइन्टी फोर एप्लीकेबल नहीं होगा अब हिंदू जो फीमेल होती है वो तो अपने हस्बैंड को जेल करवा सकती है फोर नाइन्टी फोर में होती है नहीं होती है बाद की बात क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रोविज़न है लेकिन एटलीस्ट वो केस रजिस्टर करवा सकती है इसके अलावा जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है अब हिंदू फीमेल्स को मेंटेनेंस का भी राइट ज़्यादा है सक्सेशन का राइट इनहेरिटेंस का जो राइट है वो भी ज़्यादा है तो जो फी एक धर्म की जो महिलाएं हैं जो फीमेल्स हैं उसको जो राइट मिलते हैं वही राइट बाकी धर्म की महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता है? तो अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उसको लाने का तरीका क्या होगा मोटा मोटी मेरे हिसाब से तो दो ही तरीके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आने के दोनों डिस्कस करके देख लेते हैं कि कौन सा फिजिबल होगा एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से सारे पर्सनल लॉज को स्क्रैप कर दे और एक लॉ लेके आ जाए और उसी लॉ के जो प्रोविजन्स हैं वो सबके ऊपर लागू कर दे जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में है कि वो सेम उन्होंने कानून बना रखा है कि इ रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन हमारा कानून ये है और ये ही चलेगा मुझे लगता है कि इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है रीज़न बींग कि हमारे यहाँ इंडिया में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि एक तो वहाँ का जो रिलीजन है मेजोरिटी मेजोरिटेरियन जो रिलीजन है वो सिंगल रहा है तो उन्होंने अपना लॉ बना दिया और वो लॉ उस टाइम पे इंप्लीमेंट हो गया लेकिन इंडिया में अगर करंट आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं कस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अलावा जो आपके हैं अलग अलग रिलीजियस कम्यूनिटी के लोग अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी के लोग काफ़ी अलग अलग जगह पर रहते हैं तो इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ भी हैं तो आप ये देखो कि इन सब के ऊपर एप्लीकेबल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का एक कानून जो है वो सबके ऊपर मतलब सबको एक तराजू से तोल देने वाला ऐसा लॉ लेके आना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा मुश्किल होगा और जो पर्सनल बिलीव्स हैं जो कस्टम्स हैं उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा दूसरा तरीका है जो मुझे भी लगता है और बहुत सारे लोग भी मानते हैं ऐसा वो तरीका ये है कि जो इंडिया है इंडिया के अंदर जिस जिस प्रोविजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन उन प्रोविजंस को चेंज कर दिया जाए या हटा दिया जाए और जो इक्वल राइट्स वाले जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करके लॉ में वो जो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये रहेगा कि जो पर्सनल कस्टम्स हैं पर्सनल जो आपके रिचुअल्स हैं जो राइट्स हैं वो बने रहेंगे और जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले प्रोविजन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी अब आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी भी ख़राब नहीं ख़त्म नहीं होगी और आपको यूनिफॉर्मिटी जो है जो आपके राइट्स हैं वो इक्वल राइट भी मिल जाएंगे जो मुझे भी फिजिबल लगता है और गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए बट ऑबियस कि दोनों सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को एक काम तो करना पड़ेगा जो ट्राइबल एरियाज हैं जो स्पेशल स्टेटस वाले जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी कस्टम्स एंड द प्रीवियस रिचुअल्स आपका इसके ऊपर क्या विचार है आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है किस तरीके की चीज़ें इंकारपेट की जा सकती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसे सेव करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना